ज्ञानी लोग, ऐसे ऐसे ज्ञानी लोगों में रहता हूँ मैं। एक ज्ञानी तो इतना जबरदस्त ज्ञानी था कि उसने जीते जी अपनी दोनों आंखें दान में दे दी। मैंने कहा भाई साहब अब आपको बहुत तकलीफ होती होगी। बोले अपने गाय को तकलीफ होती होगी। तकलीफ तो उसको होगी जिसको वो आंखें लगाई जाएगी, क्योंकि रोजाना एक बोतल पिए बिना तो गुलदी नहीं है। एक साधु तो मुझे आज सुबह ज्ञान दे रहा था, किसका रहा है किसकी रह जाएगी, सब मर जाएंगे विस्की रह जाएगी। इसके खिलाफ तो मैंने खूब आंदोलन चलाए हुए शराबबंदी के, तो पर मैं जानता हूँ ये कोई चीजें बंद होने वाली क्या। एक बार एक गांव में जाकर ऐसे लोगों को इकट्ठा किया, दो कांच की गिलास ली, एक में पानी डाला एक में शराब डाली, फिर एक कीड़े को लिया पानी की गिलास में डाला, कीड़ा तैरता रहा। मैंने गांव वालों से पूछा क्या हो रहा है, बोला साहब कीड़ा तैर रहा है। मैंने कीड़े को निकाल के पानी की गिलास में डाला, कीड़ा उसमें थोड़ी देर तैरता रहा फिर मर गया। मैंने गांव वालों से पूछा गांव वालों क्या हुआ, बोला साहब कीड़ा मर गया। मैंने पूछा इससे आप लोग क्या समझे, बोला सब समझ गए, शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। किसी को कोई क्या समझाएगा। मैं सीधी आपको कविता सुनाता हूँ, मजे लेना। गांव में आपके यहाँ पर काफी वर्षों से कवि सम्मेलन हो रहे, दुर्गा शंकर जी आपको मजा आएगा। आप उस गाँव की कल्पना करिए, अपने आपको उस गाँव का व्यक्ति मानिए जहाँ पर कवि सम्मेलन कभी हुआ ही नहीं और पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा है, इसका मजा लेना। गांव में पहली बार कवि सम्मेलन होने जा रहा था। गांव का तो आप आनंद जानते हो, गांव तो गांव ही था। मैं तो पिछले दिनों मुंबई महानगर में गांव पर कविता सुना करके नीचे उतरा तो 5-7 लोग मिलने आए, बोले साहब हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं। बिलोंग करते मैंने पूछा आपका गांव, बोले साहब वो तो मालूम नहीं, पर हमारे दादाजी कहा करते थे कि उनके दादाजी गांव में रहा करते थे। मैंने कहा बाहर 2-3 तो अड़ गए, बोले हम आपके साथ गांव चलेंगे। मैंने कहा चलो। जैसे ही गांव आए गाड़ी से नीचे उतर से एक ने गांव की मिट्टी को प्रणाम किया, दूसरे ने माथे पे लगाया, तीसरे ने हाथ में लेके सूंघा, बोला गांव की मिट्टी की क्या खुशबू है। मैंने कहा हुजूर आपके विचार तो बहुत सोबर है, पर आपके हाथ में मिट्टी नहीं गोबर है। तो उन लोगों से भी पाले पड़ते रहते। हाँ गांव का आनंद ही अलग है साहब। गांव में क्या है कि मनोरंजन के लिए शॉपिंग मॉल या सिनेमा हॉल तो होते ही नहीं है, अपने यहाँ तो मेले भरते हैं मस्त, पर मेले का आनंद तो मेले का ही होता है। मेला में भाई ली मिली किस्मत की घड़ी बदल गई, आख्या में आख्या गल गई, इतना में लाइटा चली गई। तो लाइट जाते सुंदर गान शुरू। एक हाथ फूकण और दूजा में फुपाड़ी, बोले ओले ओले बात के दी टेम ने गुजरता, हाथ में पकड़ मस्कार, बोले भाई लोग गणद नू के तुन कर जो पुसरता, इतना में लाइटा आई और अगल शकल चकरागी, पद जाने कठिन भागी, बूढ़ी माई को हाथ पकड़ा। गांव में पहली बार कवि सम्मेलन होने जा रहा था, कमेटी का वाहन ये प्रचार करते हुए नजर आ रहा था, देखना न भूले कवि सम्मेलन विराट, और साथ में लेकर आए अपनी अपनी खाट, या बिछाने के लिए साथ लाए बोरी और घर पर ही छोड़कर आए छोरा छोरी। गांव में इस तरह का सम्मेलन कभी भी नहीं हुआ था। जब भी हुआ था सम्मेलन के नाम पर किसान सम्मेलन या सामूहिक विवाह सम्मेलन ही हुआ था। गांव में डेढ़ होशियार आदमी शहर के कवि सम्मेलन का किस्सा सुना रहा था। डेढ़ होशियार में तो समझते हो ना, डेढ़ होशियार वो होता है जो वो नहीं होता है खुद को वो बताने की कोशिश करता है, वही डेढ़ होशियार होता है। हाँ जैसे तेजी से साइकिल चलाते हुए एक आदमी गिर गया तो मैं उसको उठाने के लिए दौड़ा, बोला रहने दे तो मेरा उतरने का स्टाइल है। डेढ़ होशियार एक आदमी का हाथ गन्ने के रस की मशीन में आ गया तो उसको सांत्वना देने का, मैंने कहा यार अच्छा रहा तेरा बायां हाथ आया, भाई तेरा दायां हाथ आ जाता तो बहुत मुश्किल होती, बोला नहीं आया तो मेरा दायां ही था, वो तो मैंने दायां निकाल के फिर बायां घुसेड़ दिया था। ये डेढ़ होशियार होते हैं, ये बड़े विचित्र होते हैं, ये सभी लाइन में पाए जाते हैं। एक चीफ इंजीनियर ने एक छोटे इंजीनियर को डांटा, यार ये इतना खतरनाक मोड है तो यहाँ पर खतरे का साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाते हो, बोला साहब शुरू शुरू में लगाया था पर बहुत दिनों तक जब कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो हमने उसको बेकार समझ के हटा दिया। एक डॉक्टर साहब ने तो जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन किया, पेशेंट मर गया तो उसने भगवान की तस्वीर के हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाते हुए कहा हे प्रभु मेरी तरफ से ये पहली भेंट स्वीकार करें।
एक के तो घुटने में दर्द हो रहा था, डेढ़ होशियारों की मस्ती देखो आप, घुटने में दर्द, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कागज पर पर्ची लिख दी, पर्ची पर दवाई लिख दी, बोला सुबह शाम रगड़ लेना। बोला जी किधर से रगड़ूं, जिधर लिखा हुआ है उधर से रगड़ूं या जिधर नहीं लिखा हुआ उधर। डेढ़ होशियारों की कोई कमी नहीं, वो गांव का जो डेढ़ होशियार था वो शहर के कवि सम्मेलन का किस्सा सुना रहा था और सुना सुना कर लोगों को डरा रहा था। एक कवि ने मौत के कुएं में ऐसी मोटरसाइकिल चलाई, न कभी नजर आया न मोटरसाइकिल नजर आई। दूसरे कवि ने तो क्या गजब का जादू दिखाया, एक छोरे और छोरी को गायब कर दिखाया। तो तीसरा बोला भाया फिर छोरे छोरी तो क्या, उनकी माँ को भी घर पर ही छोड़ कर जाएंगे, बेटे ख्याले गायब हो गई तो रंडवे नहीं हो जाएंगे। चौथा बोला सुना है कवि भी सारे विराट है, बोलते ना विराट कवि सम्मेलन, अगले के दिमाग में विराट वही घूम रहा है जो किसने अर्जुन को दिखाया था। बोले इतने सारे एक साथ विराट आ गए तो अपन कहां जाएंगे। तो बोला सुना कभी भी सारे विराट है, कुछ कर भी सकते हैं, उनको देख करके अपन डर भी सकते हैं। अब साहब कवि सम्मेलन की रात गांव के एकमात्र मास्टर जी मंच पर आए और अपना ज्ञान जताने लगे। होता है हर गांव में जो मास्टर होता है वही संचालन करता है किसी भी समारोह का। गांव के एकमात्र मास्टर जी मंच पर आए और अपना ज्ञान जताने लगे, आमंत्रित कवियों के नाम बताने लगे, सांड सनीचर भांड भटीचर अखड़ उदास पकड़ निराश दीवाना हुल्लड़ पागल कुल्लड़ चर्चित झटका उपेक्षित खटका और साथ में मैनपुरी जैनपुरी कानपुरी और रामपुरी है, इसलिए मंच से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। नाम सुन सुन के रोमांच बढ़ता जा रहा, नामों का भला आनंद ही अलग होता साहब, मैंने बताया ना आपको। आंखों के एक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम था नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सूरदास, नामों की मस्ती अलग होती है। एक हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब का नाम था डॉक्टर प्राण ले ले, देखते भी एकांत में अकेले। हाँ बड़ी विचित्र स्थिति होती है नामों की। एक स्कूल में तो एक चपड़ासी का नाम था प्राणनाथ, अब जो जेंट्स टीचर थे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब जो लेडीज टीचर थी वो किस नाम से बुलाए, ये तो नहीं कह सकती कि प्राणनाथ जी इधर आना, ऐसा कहे तो कुछ के प्राणनाथ से तलाक हो जाए। तो उन्होंने मीटिंग करके इशारे से बुलाया, पूछा जी आपका पूरा नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है, आपका पूरा नाम क्या है। बोला जी मेरा पूरा नाम है प्राणनाथ स्वामी, अब बताओ किस नाम से बुलावे। बोला जी आपको घर पे क्या कहते हैं, बोला घर पे कहते हैं मेरे को बलमा। बोला मोहल्ले वाले किस नाम से बुलाते हैं, बोला मोहल्ले वाले बुलाते हैं साजन। नामों का बड़ा मजा होता साहब। तो सांड धनीचर भांड भटीचर अखड़ उदास पकड़ निराश दीवाना हुल्लड़ पागल कुल्लड़ चर्चे झटका उपेक्षित खटका और साथ में मैनपुरी चैनपुरी कानपुरी रामपुरी है, इसलिए मंच से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। नाम सुन सुन करके ही लोगों में रोमांच बढ़ता जा रहा था। मास्टर जी बोले ये कवि देश में क्रांति फैलाएंगे, नया उजाला लाएंगे। इतने में लाइट चल गई, लोगों ने कहा बेवकूफ मत बनाओ, नए की छोड़ो पहले पुराना वाला उजाला वापस लाओ। फिर लाइट आई, मास्टर जी बोले ये कवि देश में क्रांति फैलाएंगे, श्रृंगार हास्य वीर करुणा और रौद्र जैसे रसों का जलवा दिखाएंगे। तो लोग बोले रहे ये हमारा ध्यान रसों की तरफ खींचने वाले हैं, जरूर ये सारे कवि रस बेचने वाले। तो दूसरा बोला अपने गांव में तो गन्ने का रस ही चलता है। तीसरा बोला चुप कर भगवान की बनाई हर चीज में से एक रस निकलता है। अब साहब एक एक करके कवि मंच पर आने लगे तो श्रोता आपस में कोहनियां टकराकर बतलाने लगे, यार ये तो अपने जैसे ही आदमी नजर आते, फिर अपने आप को सांड और सनीचर क्यों बताते। तो दूसरा बोला चुप कर ये खुद के बारे में झूठ थोड़ी कहते होंगे, जरूर ये सांड और सनीचर की तरह ही रहते होंगे। अब इतने में एक नेताजी मुख्य अतिथि बनकर के आए और आते ही माल्यार्पण के बाद माइक पर भाए, बोले बंदा आपके लिए जिया है आपके लिए मर जाएगा। तो इतने में एक श्रोता बोला हे भगवान वो शुभ दिन कब आएगा। पूत के पांव पालने में नजर आने लगे थे और श्रोताओं के लक्षण कवि सम्मेलन का भविष्य बताने लगे थे। मैं वो बात कहना चाहता हूं जो कवि सम्मेलन के बीच घटित होती, वही जा रही कविता, ये जो बीच बीच में बोलते हैं ना सावधान रहना जो मैं कहना चाहता हूं। पूत के पांव पालने में नजर आने लगे थे, श्रोताओं के लक्षण कवि सम्मेलन का भविष्य बताने लगे थे। अब कवियों में से ही एक कवि को संचालक बनाया, उसने सरस्वती वंदना के बाद पहले कवि को बुलाया, वो आते ही बोला आशीर्वाद चाहता हूं।
तो एक बुजुर्ग श्रोता लहराते हुए स्टेज पर आ गया। उसके हाथ में लकड़ी दे करके कवि घबरा गया। जैसे ही बुजुर्ग ने उसके माथे पर हाथ घुमाया, कवि न जाने कहां खो गया। गीतकारी तो साहब बेचारा बेहोश हो गया। लोगों ने कहा ना, इसने अपनी अकल को खूंटी पर टांगा क्यों था, जब ही आशीर्वाद ले ही नहीं सकता। मांगा क्यों था। फिर उसका मुंह धुलाया, उसके बाद उसको एक चबूतरी पर सुलाया। अब संचालक बोले, हम उस कवि को बुलाते हैं जो श्रोताओं में जोश भर देता है, खुद बेहोश नहीं होता, सुना सुनाकर श्रोताओं को बेहोश कर देता है।